हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हरियाणा क्लर्क वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करूंगा कि ज्वाइनिंग डेट क्या है और पोस्टिंग स्टेशन किसको कितने मिले हैं और टोटल वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट का नाम आया है। ये सब हम डिटेल में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हो सकता है आपका नाम आया हुआ हो और आपने अभी तक नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल दिखाई दे रही है सब्सक्राइब के साइड में, इस पर क्लिक करें ताकि मैं आपके लिए हर प्रकार की अपडेट लाता हूं तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में। इस वेटिंग लिस्ट में टोटल 70 कैंडिडेट का नाम आया है, जिसमें से 68 जर्नल के और 2 कैंडिडेट बीसी के हैं और इनको ज्वाइनिंग अपने पोस्टिंग सेशन पर जाकर 7 मई 2018 को करनी होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अभी हरियाणा के और सेंटर के बहुत सारे एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, तो इसकी वजह से कैंडिडेट एक जॉब कर छोड़कर दूसरी जॉब में जा रहे हैं, जिसकी वजह से हरियाणा के हर एक एग्ज़ाम में वेटिंग लिस्ट डाली गई है ताकि हर जो कैंडिडेट बचे हैं उनको भी मौका मिल सके और जो छोड़कर जा रहे हैं, इतने जल्दी जल्दी पोस्ट चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है उनको मौका मिलता रहेगा। अब हम कैंडिडेट के नाम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो कल्रक लगे थे, इनकी नवंबर में ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद 50 कैंडिडेट की पहले वेटिंग लिस्ट में नाम आ चुका है और अब 70 कैंडिडेट का दोबारा फिर पोस्टिंग सेशन के साथ वेटिंग लिस्ट का नाम डिक्लेयर किया गया है। तो आप अपने नाम चेक कर लें और इसमें पोस्टिंग सेशन भी लिखा हुआ है और ये लिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पोस्टिंग सेशन देख सकते हैं। अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें और जो कॉर्नर में सब्सक्रिप्शन बॉक्स है इस पे जाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।